हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रो इन यूके। तो भाई अभी इस वक्त मैं अपने बिल्कुल घर के फ्रंट पे ओके एंड आप थोड़ा सा व्यू देख लो। आज है थोड़ा सा अच्छा सा धूप, तो मैं आया हुआ था नीचे। एक्चुअली मैं आप देख सकते हो ये वाला मेरा वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे अपना घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। इस तरह की कॉलोनी है, मैंने अपनी अकोमोडेशन पहले भी दिखा रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो एक्चुअली सिक्योर एक फ्लैट सिस्टम है यहाँ पे, हमने एक फ्लैट ही ले रखा है पूरा, ठीक है। वो मैंने एक पूरी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने उस देखना होगा तो आप देख सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तो मैंने सोचा कि कुछ ना कोई एक वीडियो बना लेते हैं, ठीक है जी। तो बहुत दिन से लाइक एक रिक्वेस्ट था लड़के का कि भाई डिलीवरी जॉब के ऊपर आप मेरे को एक वीडियो दे दो, ठीक है। तो एक्चुअली मैं मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था उस चीज़ को लेकर, और मैं जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता चीज़ तब तक मैं मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं समझता। तो भाई बेसिकली मैं पीछे कुछ दिन पहले एक पार्ट टाइम जॉब गया था, डिलीवरी की थी, ठीक है। तो मैं उससे एक रफली आइडिया लिया और मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि वो एक्चुअली में कैसे है, कितना इनकम आप कर सकते हो, ठीक है, और कितनी उसमें बन सकती है, ठीक है। एक रफली आइडिया मैं आपको दूंगा उससे, ठीक है। वो जॉब मैंने किया था लाइक थोड़ी देर के लिए किया था, एक दो दिन ही किया था, ठीक है। तो बढ़िया जॉब है एक्चुअली, मैं जिस कंपनी को ज्वाइन किया था उनके पास उतना ज़्यादा काम नहीं है तो उसकी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली क्या है कि डिलीवरी की जो जॉब है ना भाई, वो बहुत अच्छी जॉब है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंपनी वो चूज़ करना जिसके पास काम होगा, ठीक है। जैसे जो मैंने किया था मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जिस कंपनी को मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो था स्विफ्टी, ये भी फूड डिलीवरी और लाइक अनदर पार्ट्स भी डिलीवर करते हैं, समथिंग कुछ और होता है लाइक कुछ भी चीज़ होता है ना तो ये डिलीवर करते हैं। तो आप मैंने जो किया था वो स्विफ्टी किया है, ठीक है, और उसकी मैं विजिट वगैरह सब आपको बता दूंगा अभी आगे वीडियो में। लेकिन आप जो ट्राई करना, यहाँ पे तीन चार कंपनियाँ अच्छी हैं लाइक गेट ईटर है, डिलीवरो है, ठीक है भाई, एंड ऊबर ईट है, डोमिनोज़ कर सकते हो आप डिलीवरी में, ओके okay, और रेस्टोरेंट की जॉब भी कर सकते हो। बट रेस्टोरेंट वगैरह का मेरे को ऑन एन एवरेज भी नहीं पता है कि क्या चार्ज देते हैं नहीं देते हैं, ओके okay? समटाइम वो आपको आवरली पे दे देते हैं और कई बार डिलीवरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो मैं भाई अपना जॉब कर रहा था उसका मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें कितनी इनकम होती है। तो ये स्विफ्टी नाम की यहाँ पे कंपनी है, एक न्यूली अभी ओपन हुआ है लंदन में, बढ़िया है काम इसका, अभी मैनचेस्टर में स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कुछ खास काम नहीं इनके पास, दो या तीन दिन होता है तो सम टाइम मेरे को चार घंटे के लिए मैं जाता हूँ नॉर्मल, अभी भी जाता हूँ अगर टाइम मिलता है, अगर वो मेरे को बोलते हैं आने के तो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूँ स्विफ्टी, ये भी फूड डिलीवरी करती है और लाइक समथिंग अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, जो भी अगर कोई छोटा मोटा सामान इधर उधर भेजना हो तो वो डिलीवर करवाते हैं, ओके। तो वो इस तरह से करते हैं। और भाई इनका मैंने एक चीज़ देखा है, जो इनका वेज रेट है वो मिनिमम देते हैं पर ऑर्डर £4, ठीक है, और वो ऑर्डर का डिस्टेंस जो नॉर्मली होगा टू माइल्स के नियर अबाउट, 1 माइल्स आपको पिकअप जाना पड़ेगा, 1 to 2 miles एंड 1 to 2 miles ही आपको इन बिटवीन 4 miles के अंडर आपको £4 का काम मिलता है, और इट विल टेक नियर अबाउट 20 minutes, 15 to 20 minutes अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। अगर आपने कभी डिलीवरी की जॉब कर रखी है तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आप 10 minutes, 15 minutes में कवर कर सकते हो वो चीज़। तो आप उससे आइडिया लगा लो कि आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। पर ऑर्डर आप मिनिमम £4 उसमें कमाते हो, और अगर वो जैसे डबल ऑर्डर सिंगल टाइम पे दे देते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो ऑर्डर होता है, जैसे एक ही जगह से 2 पिकअप होगा, 3 पिकअप होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा पिकअप होंगे उसके £2 वो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, आपको डिलीवरी करनी होगी, पिकअप 1 place से ही होगा, ठीक है भाई। ये चीज़ हो गया जो स्विफ्टी कंपनी देती है आपको। तो मैंने इसमें ऑन एन एवरेज लगाया था ना, अगर आप £4 लेके चल रहे हो पर ऑर्डर, और आप नॉर्मली 15 ऑर्डर भी लगाते हो तो आप आइडिया लगा लो £50 to £60 आप बना लोगे 4 या 5 घंटे में, ठीक है, ऑन एन एवरेज बन जाता है, कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है। मैंने एक रफली आइडिया लगाया था, तो स्विफ्टी के पास उतना काम नहीं होने की वजह से मैं मतलब उतना नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर काम हो तो आप मान के चलो कि 70-80 pound मतलब जितना भी आप काम करने में एक्सपीरियंस होगे ना भाई उतना आप बना सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं होता है। ऑन एन एवरेज अब जो आपका आएगा ना इनकम का, वो नियर अबाउट 10 से 12 pound आएगा
मिनिमम आपका 10 पाउंड तो आना ही चाहिए अगर आप अच्छे से काम करोगे, मन लगा के मेहनत से करोगे तो। क्योंकि वो क्या होता है कि वो आपके बेस्ड होता है जॉब, जितना काम करोगे उतने पैसे बनते हैं। अगर आपका कोई आर्ली पे कर रहा है तो वो 6-7 पाउंड देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो डिलीवरी बेस्ड ही बढ़िया है कि जितनी डिलीवरी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाएगा पैसे, ठीक है भाई। तो यही मेरे को लग रहा था कि मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। आपको जो अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया, जिसमें ज़्यादा काम होता है वो आप साइकिल पे भी कर सकते हो, अपने बाईसाइकिल पे भी और इलेक्ट्रिक साइकिल पे भी और कार से भी। यहाँ पे लोग कार में ज़्यादा डिलीवरीज करते हैं क्योंकि वो सेफ है, यहाँ पे मौसम थोड़ा उस तरह का सही नहीं होता। जो मैं करता हूँ भाई वो मतलब किस्मत मान लो या कुछ भी, मैं उसी कंपनी का गाड़ी यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक बाइक है, उनका स्कूटरी बोलते हैं, हम जैसे हम इंडिया में स्कूटरी बोलते हैं एक्टिवा टाइप, उस तरह से तो मैं वही यूज़ करता हूँ जब मैं उनके पास जाता हूँ। तो पहले तो उन्होंने मेरे को उसका चार्ज बताया था, फिर मैंने उन्हें बोला कि अगर मेरे को प्रॉपर काम दोगे तभी मैं चार्ज पे करूँगा ना। तो अभी उनके पास प्रॉपर काम नहीं है तो अभी मैं उन्हीं का गाड़ी यूज़ करता हूँ, मेरी गाड़ी नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं वही पार्ट टाइम में करता हूँ, कभी कभी जाता हूँ भाई। और ये है इसका डिलीवरी का जॉब का सारा प्रोसेस। और अगर आपने डिलीवरी की जॉब करनी है भाई तो आप वहाँ से कम अगर आप 4-व्हीलर रन करते हो ना तो आप भाई, एक मेरी टिप है, आप अपनी DL लेकर आना, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस अपने अपने कंट्री से, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आप 1 ईयर फॉरेन की कंट्रीज़ में गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, ले भी सकते हो। यहाँ गाड़ी लेनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, आपको 1000 पाउंड के नियर अबाउट अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा झंझट नहीं है गाड़ी लेनी यहाँ पे। और जब आपके पास गाड़ी होता है ना भाई तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसे ही बढ़ जाता है आपके जॉब का, क्योंकि डिलीवरी की जॉब आपको वेयर हाउसेज में भी मिल जाते हैं और ड्राइवर्स की नीड होती है हर जगह पे, लेकिन आपके पास उसकी क्या कह सकते हैं हम, आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए जिससे आप ड्राइव कर पाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है वो आप देख लेना। अगर आप स्विफ्टी करना चाहते हो, लंदन में हो तो आप स्विफ्टी भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लंदन में इसका काम बहुत अच्छा है। मैं अभी फ़िलहाल मैनचेस्टर में हूँ, मूव करूँगा 1 ईयर के बाद उधर, तो फिर शायद यही जॉब आगे मैं कंटिन्यू करूँ, बिकॉज इट्स अ गुड जॉब। आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता इस जॉब में, कोई आपको बोलने वाला नहीं होता है, आपने जस्ट पिकअप किया एंड डिलीवर किया और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होता है, कोई चक्कर नहीं होता है, किसी तरह का कोई टेंशन भी नहीं होता, इसलिए मैं इसे अच्छा जॉब मानता हूँ। कर सकते हो आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी, ठीक है, बट वो थोड़ा सा प्रेशराइज होता है बिकॉज वो आपको टॉर्चर करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई ये कर वो कर ऐसे कर यहाँ से वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट की डिलीवरी में। बट अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, जैसे उबर ईट हो गया, अनदर गेट ईटर हो गया, स्विफ्टी हो गया, या कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो, डिलीवरो हो गया, तो हाँ आपको यहाँ पे आकर ना एक लाइसेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको, जब आप मोटरसाइकिल यूज़ करोगे या आप अपना गाड़ी यूज़ करोगे तो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हो जाता है। आप अपने कंट्री से 2-व्हीलर या 4-व्हीलर की लाइसेंस वाली ज़रूर लेकर आना भाई, ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है। मौसम हो गया थोड़ा सा कूल टाइप, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लो व्यू, ये है अभी का ऐसा लुक इधर, ठीक है, ऐसा करके छोटा सा क्लोनी है, आपको एक नज़ारा दे देते हैं, ओके, एंड मिलते हैं आपको भाई नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे लिए एक लग रहा था कि मैं आपको एक वीडियो दे दूं जिससे आपको आइडिया मिल जाए। आप मोटा मोटी मान के चलना नियर अबाउट 10 पाउंड ऑन एन एवरेज आप कमा सकते हो डिलीवरी की जॉब में ईजिली, ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल भी काम करने वालों का भी एक्सपीरियंस भी नहीं किया हुआ है तो भी आप अगर ड्राइविंग करते हो तो आप 10 पाउंड तो मिनिमम बना लोगे पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना भाई, ठीक है, बाकी भाई जितना हो सकता है आपके लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल मेरा न्यू है, ठीक है, तो मुझे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, सो दैट कि जैसे क्या है कि मैं अगर मेहनत करके ये सब चीज़ें करूं और मुझे रिटर्न में सिर्फ आपकी सब्सक्रिप्शन भी ना मिले तो वो मेरे को थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है। अगर आप कमेंट के लिए तो मैं कभी बोलता नहीं, अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तभी आप वो करो, ना लगे तो आप बिल्कुल छोड़ दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब भी आप तभी करो जब आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगे, जब आपको लगे कि हाँ इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, अदरवाइज जस्ट इन्जॉय एंड लुक माई वीडियोज़, यू नो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर आपका कुछ क्वेश्चंस होता है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, ब्रो इन UK, ठीक है।
ठीक है, वहाँ पे भी मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी सेल्फ बेस्ड नॉलेज है, जो मेरे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं आंसर कर देता हूँ। कोई इशू वाली चक्कर नहीं है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं, लव यू ऑल।